कैमूर के दुर्गावती प्रखंड के सावट पंचायत के लोगों को पीने के पानी के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यूं तो प्रधानमंत्री के सात निश्चय योजना के तहत सभी को मूलभूत सुविधाएं देने की बात कही जाती है, लेकिन यहां ऐसी किसी योजना की झलक भर भी नहीं है। पानी की कमी के कारण ग्रामीण परेशान हैं और सुबह शाम काफी दूर से पानी लाकर जीवन गुजारने को मजबूर हैं। बहुत दूर से पानी हम लोग होते हैं और महादलित का हम लोग बस्ती है और पानी का बहुत दिक्कत है और चार वार्ड में हम लोग के बहुत परेशानी है पानी का। बहुत दूर से पानी ढोते हैं और लाते हैं, इसी तरह से जीते हैं और पीते हैं। क्या सरकारी नल की व्यवस्था नहीं की गई है? क्या सरकारी नल की कोई व्यवस्था नहीं है? पानी साहब देखो बा नहाला में बाल बच्चा सब ऐसे ही रह जाते बा। पानी पिए तो नहीं पिए के तक खाए कहाँ नहाया कहाँ ले दी में है। सभी का चापाकल जितना हमारे गांव का हमारे बस्ती का है सब चापाकल बंद हो गया। सात निश्चय में आया नल जल का व्यवस्था, वो मुखिया जी नहीं कर पाए, चार वार्ड में नहीं किए, जबकि यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। कम से कम अपने बस्ती से बहुत दूर भागने का ये लोग का व्यवस्था किया है सर। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे सरकार से इस पे ध्यान दे, चार वार्ड के लोग मर रहा। पंचायत के लोग इस कदर परेशान हैं कि गांव के लोग खेत पर किए गए बोरिंग से पानी लाकर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। गांव में लगे हुए एक भी हैंडपंप काम नहीं कर रहे हैं। सभी जल स्तर गिरने से सूख गए हैं। कलियर बहुत नीचे हो जाने के कारण पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। हम लोग प्रयास में है इस बात को लेकर के हम लोगों ने वीडियो साहब से बात किया है, डीडी साहब से भी बात किया है। लोगों ने बोले हैं कि नहीं सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन एक बाइक लेयर नीचे भाग जाने के चलते सारे पंचायतवासी परेशान है, कल चल नहीं रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना चाहेंगे कि इस विकट स्थिति में कि कम से कम हर पंचायत के पूरे बिहार में थोड़ा थोड़ा राशि भेजवा दें ताकि उस राशि से पंचायत का चापाकल और पानी की व्यवस्था की जा सके। ग्रामीणों ने प्रशासन से इसकी शिकायत की है, लेकिन वहां से कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इनकी समस्याओं को कैसे हल करता है। कैमूर से अमित कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।